Hello friends, this is Lakhan Sharma. Welcome to IndCareer. Today we will start or we will learn about the applications of lenses. We have two lenses, convex lens and concave lens. And these two lenses are used in a different applications in our daily life. So the best example is spectacles. But किस स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस यूज होता है? क्या सभी स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं या सभी में कॉन्केव लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू? सो माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, कैमरा में क्या यूज होता है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स टेक इट बाय द टू कॉलम्स एंड पॉइंट बाय पॉइंट. सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स लेंसेस एंड द सेकेंड वन विल बी अबाउट द कॉन्केव लेंसेस. Okay, so that we can easily remember and differentiate the two different applications of the two different lens. First one is the convex lenses are used for the correction, eye correction. ये eye correction की बात क्या कर रहा हूँ मैं? Sight correction की. कभी कभी होता है हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, पास की चीज़ें दिखती हैं. पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये हमारे आई का डिफेक्ट है, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. ह्यूमन आई, जब हम ह्यूमन आई पढ़ लेंगे तब हम ह्यूमन आई के करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों में. सो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई वी यूज लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस इन स्पेक्टिकल्स. सो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग साइटेडनेस. फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आप बस एप्लीकेशन याद रखें कि व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन लॉन्ग साइटेडनेस, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर इन वेरी डिटेल. राइट नाउ वी स्ट्रिक्ट टू द एप्लीकेशन दैट कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन लॉन्ग साइटेडनेस एज ए स्पेक्टिकल्स. ओके, स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में लॉन्ग साइटेडनेस के लिए यूज किया जाता है फॉर करेक्शन ऑफ ह्यूमन आई. ओके, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट साइटेडनेस. ओके, सो स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर दिस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स, वेयर एज द कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन टेलीस्कोप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, they are used in microscopes and they are used, concave lenses are used in telescopes. Now, the third one, these convex lenses are used in projectors and camera. Camera and projectors. Projectors lenses and camera lenses consist convex lenses. But convex lenses, concave lenses are used in binoculars. Okay, so the binoculars have generally convex concave lenses. Next, the convex lenses are also used in, very important, spotlights, and spotlights are used in theaters. So theater spotlights, we use convex lenses. Spotlight ka matlab kya hota hai? Theater mein ya auditorium mein किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हमें फोकस करना होता है. रेस्ट ऑफ द ऑडिटोरियम विल बी इन डार्क, बट वी हैव टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन द डायस और ऑन द माइक और ऑन द स्क्रीन. सो इन दैट केस वी यूज स्पॉटलाइट्स इन थिएटर्स. जनरली जो जहाँ पर प्लेज होते हैं, जहाँ पर है ना नुक्कड़ नाटक वगैरह किया जाता है, तो ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं. रंगमंच में यूज़ किया जाता है, सिनेमा हॉल्स में भी यूज़ किया जाता है, थिएटर्स में भी, ऑडिटोरियम्स में यूज़ किया जाता है. सो वेयर वी यूज थिएटर स्पॉटलाइट्स, इट कंसिस्ट कॉन्वेक्स लेंसेज एंड द कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन फ्लैशलाइट्स. फ्लैशलाइट्स आर यूज्ड, और वी कैन से फ्लैशलाइट्स स्ट्रीट लाइट्स, वी कैन कंपेयर फ्लैशलाइट्स एंड स्क्रीन लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिकॉज कॉन्केव लेंस क्या करते हैं, लाइट्स को डाइवर्ज कर देते हैं. तो फ्लैश लाइट का मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू डाइवर्ज द लाइट इन अ वाइड एरिया. कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्टिव मोटिव होता है टू कॉन्वर्ज द लाइन. द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग नेचर, सो इट कॉन्वर्जेस ऑल द लाइट्स एमिटिंग फ्रॉम अ सोर्स एट अ पर्टिकुलर स्पॉट एट अ पॉइंट. सो इट इज यूज्ड एज स्पॉट लाइट.
concave lens diverge all the beams of light emerging from the source. So it uses as flashlight. It finds its application in flashlights. Okay, and the last one is about the convex lens only, not for the concave one. The convex lens are also used in magnifying glass, the most common application of convex lens, that it is used in the magnifying glass also. So in this tabular form, it will be very easy to remember about the various application area of the different lenses. So in spectacles, they are used as to correct long-sightedness, convex, short-sightedness, concave. Microscopes mein use hota hai convex, telescopes mein use hota hai concave. Camera and projectors mein convex, binoculars consist concave lenses. Okay, and theater spotlight, very important. Ye paper mein puchta hai, bahut zyada important hai ye. Paper mein puchta hai why convex lenses or converging types of lenses are used in theater spotlights, why flashlights consist concave lenses only. So ye paper mein kafi puchta hai reason why we using this one. So I explained, because the nature of the convex lens is converging in nature, so spotlight mein hame ek jagah pe ek particular spot pe light jana rehta hai, to hum kya karte hain, use spotlights mein use karte hain. Aur flashlights ka objective hota hai to spread the light in a wide area. So in for to accomplish the application, we use concave types of lenses. So this is it from the uses of a lenses, and in the next video we will learn about the power of a lens and linear magnification and the lens formula, which is very important. Thank you so much for watching IndCareer videos.